श्रावस्ती फसलों को बर्बाद कर रहे चुट्टा जानवर के पैरों पर धारदार हथियार से किया गया हमला। गोवंश के संरक्षण को लेकर यूपी सरकार द्वारा गौशाला निर्माण के लिए उठाई गई योजना एक ओर जहां फ्लॉप नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर गोवंश के संरक्षण पर और भी संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। खुलेआम घूम रहे गोवंश खेतों में लहराती फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते वे आम लोगों के कोप का भजन भी बनना शुरू हो चुके हैं। ताजा मामला श्रावस्ती जिले के किलोला थाना क्षेत्र के गटूहूर गांव का है, जहां आज सुबह एक गोवंश घायल अवस्था में मिला, जिसके चारों पैरों पर जोरदार हथियार से हमला किया गया था। ऐसे में भी बड़ा तड़प रहा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और पशु चिकित्सक को दी। हालांकि पुलिस तो तुरंत मौके पर पहुंच गई, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। गोवंश पर हुए हमले से लोगों में काफी आक्रोश है और फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। भोरू है सर, इसके चारों पैर काट दिए गए हैं सर। हमने प्रशासन, पुलिस प्रशासन को जो है फोन किया। पुलिस प्रशासन सर 2 घंटा हो गए यहाँ आए, और 2 घंटा हमारे जो है बहुत साफ, और हमारे जो है पाड़े जी जो है डॉक्टर को फोन किए, और डॉक्टर अभी तक यहाँ जो है मौके पर मौजूद नहीं आए हैं। 2 घंटा भी जाने के बाद भी डॉक्टर नहीं पहुँचे। 2 घंटा हो गया, चारों पैर इसके काट दिए गए। चारों पैर में इसके फरसे लगे हैं और विधवत फरसे लगे हैं, बिल्कुल खुले में जख्म दिख रहा है। किसने काटा ये नहीं पता चला सर? ये नहीं पता चल रहा है, गुप्त में पता चल रहा है कि 2 लोग इसको जो इधर से मारते मारते ले गए हैं, उसके बाद जो गांव के करीब छोड़ के फिर वापस चले आए। अच्छा, गांव में काफी जो छुट्टा गाय है, जानवर है जी, वो काफी दिखाई पड़ रहा है जी, काफी दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे गौशाला के लिए कोई वो नहीं है? नहीं, गाय को गौशाला नहीं पहुँचाया गया। नहीं, अस्थायी गौशालाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें काफी जानवर भी यहाँ पे गए, पर फिर भी अभी तक ऐसा नहीं है कि पूरे जानवर सब जगह से उन अस्थायी गौशाला में पहुंच पाए। और ये सूचना हमें मिली है कि रात में किसी एक बैल या सांड टाइप्स का है, जिन्हें इस टाइप से किसी धारदार हथियार से चोटिल किया है। पुलिस और पशु चिकित्सा अधिकारी ये सब लोग मौके पे हैं, उसका इलाज हो रहा है, और अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है, पर जल्दी उनका पता करवा के अगर किसी ने किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।